विदर्भ न्यूज की टीम पहुंची है मेलघाट की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले धारनी शहर में। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य एवं विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके रमेश मावसकर, इनसे आज हम मुखातिब होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थिति है मेलघाट में वो क्या है, कैसी है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को फेस कर रही है, इसके संदर्भ में हम जानकारी लेंगे रमेश जी मावसकर से। हमारे अमरावती जिले के उपायुक्त रह चुके रमेश जी मावसकर आज अभी हमारे साथ में है। विदर्भ न्यूज़ की टीम की तरफ से हम आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिलहाल में भाजपा की आपके मेलघाट विधानसभा परिक्षेत्र में या मेलघाट क्षेत्र में परिस्थिति कैसी है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेलघाट क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र तीन भागों में बटा हुआ है, जैसे धारणी, चिकलदरा और अचलपुर। ऐसे हमारे जो जिला परिषद के सर्कल हम अगर बोले के समझे तो करीब करीब ये 13.5 मंडल है। और धारणी और चिकलदरा की परिस्थिति थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये ट्राइबल बेल्ट है और ट्राइबल बेल्ट होने की वजह से यहाँ पर जो पहाड़ी एरिया है और प्रॉपर हमारे समाज के जो लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, ये यहाँ पर काफ़ी जो नवनीत जी राणा जो है इनको उम्मीदवारी मिले इसके लिए बहुत ऐसे उत्साहित हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि नवनीत जी राणा हमेशा मेलघाट को प्राधान्य देती है और आज तक का इतिहास है कि संसद में किसी ने अगर आवाज़ उठाया होगा तो वह है नवनीत जी राणा। मेलघाट का नाम हमेशा उठाने का काम उन्होंने किया है, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो यहाँ के लोगों की कोई भी समस्या हो, तो वो संसद में उन्होंने प्रश्न उठाने का काम किया है और उनको न्याय दिलाने का हमेशा काम किया। लेकिन फिलहाल में यदि देखा जाए तो बहुत सी जगह से, जैसा उनकी अभी कुछ जो होली को लेकर या दीपावली को लेकर वे सिर्फ मेलघाट में आती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती, ऐसी जनता की ओर से एक आवाज़ आ रही है कि उनका सिर्फ आना जाना जो लगा रहता है वो होली और दीपावली के दरमियान रहता है और साड़ी का वाटअप करने के पुरता मर्यादित रहता है, कोई विकास कार्य अभी तक नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप और हम हिंदू संस्कृति का हम पूजा करते हैं, रक्षण करते हैं, सब ये करते हैं। गए 12 साल से जब से वो मेलघाट क्षेत्र में यहाँ पर से संपर्क उनका हुआ है, तो 12 साल में उन्होंने देखी है कि होली हमारे मेलघाट का, हमारे जो कोरकू जनजाति हमारी है, इनका प्रमुख एक त्यौहार है और इस त्यौहार में वो अपना घर का, खुद का जो होली का त्यौहार है वो छोड़ के यहाँ पर हर साल वो 5 या 6 दिन, एक हफ्ता के करीब वो यहाँ पर रहती है और उस दरमियान वो गांव गांव में जाने के बाद में जो वो त्यौहार मनाती है, लोगों से मिलती है और लोगों को जो एक अच्छा मैसेज इसलिए जाता है कि भाई वो मेलघाट की बेटी है, मेलघाट की बेटी होने के साथ साथ उनको ऐसा लगता है कि भाई ये अपनी है, तो लोग उनको क्या मालूम है क्या, देखने के बाद में बड़ी खुशी से झूमते हैं, त्यौहार मनाते हैं। अच्छा, रहा प्रश्न अभी आपने बोला कि भाई साड़ी बांटने का, तो वो तो उनका सोशल काम है, साड़ी बांटना और किराना या देना ये उनका सोशल काम है। कई ऐसे हमारे विरोधक है हमारे पार्टी के। नहीं, आपके विरोधकों ने अभी अभी ये कहा है कि 3 करोड़ की अंगूठी, 2 करोड़ की गाड़ी और 17 रुपए की साड़ी, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए क्या है मालूम है क्या कि भाई किसी का मूल्यमापन हम इससे नहीं लगा सकते कि भाई वो किस गाड़ी में घूमता है, कितने क्या जो जौहर पहनता है, ज्वेलरी पहनता है, किसी से ये पहनता है। मुझे बताइए ना कि उनके अलावा मेलघाट में किसी ने सोचा क्या कि भाई आके यहाँ पर दिवाली मनाए, यहाँ पे होली मनाए या लोगों को कुछ चीज़ें सामान वगैरह बांटे, किसी ने नहीं सोचा। ये कंटिन्यूसली मैं बोलता हूँ, ये 10-12 साल से उनका जो वर्क चल रहा है, तो ये विरोधक हमारे जो भाजपा के जो विरोधक है, ये बेवजह से उनको परेशान भी कर रहे हैं और उनकी बदनामी भी कर रहे हैं, तो ये मुझे सही नहीं लगता। एक प्रश्न सिर्फ आपके लिए, आपकी भाजपा के लिए नहीं कहना चाहूँगा मैं, आप एक उच्च पदस्थ अधिकारी उपायुक्त अमरावती के रह चुके हैं, ऐसे में आपका एकाएकी नौकरी से इस्तीफा देकर राजकीय प्रवेश करना, ये मेरा पर्सनल सवाल सिर्फ आपके लिए है, तो ये कुछ हमारी समझ में नहीं आया था,
विधानसभा इलेक्शन लास्ट टाइम में जो हुआ था उसमें। नहीं, आपका कहना एकदम सही है। मैं कोरकू परिवार से मैं आता हूँ, यहाँ के स्थानीय जनजाति है वो, और आपको मालूम है कि मेरे फादर भी जो है पटलाकुटी ये विधायक रह चुके हैं, और विधायक रह चुके हैं तो हमारे घर में ये राजनीति इसमें है। और जब भी मैं घूमता हूँ मेलघाट में, मैं देखता हूँ तो आज भी समस्या पूरी तरीके से छूटी नहीं है। और जो भी लोक प्रतिनिधि हमारे यहाँ पर हुए हैं, जो भी आमदार यहाँ पे हुए हैं, इन्होंने उसको ठीक ढंग से उसको रखा नहीं है। जैसा नवनीत जी राणा ने खासदार करके संसद में आवाज उठाई, तो मैं चाहता था कि भाई मेलघाट की आवाज बनके मैं महाराष्ट्र विधानसभा में ये प्रश्न उठाऊँ, क्योंकि आज भी आप अगर देखेंगे, समझो रोजगार की समस्या है, यहाँ की आरोग्य की समस्या है, शिक्षण की समस्या है। एक अधिकारी होने के नाते से मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये इस सब चीज का जो है एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ। हमारे उस वक्त के जो कलेक्टर थे नवल साहब थे, हमारे बांगर साहब थे, ये तो बड़े खुश हुए थे उस वक्त कि भाई आप ने जो सरकारी जो नौकरी है वो छोड़ के आप जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी अगर समझो एमएलए बना, विधायक अगर बना समझो, तो वो डायरेक्ट क्या मालूम है क्या उस विभाग से जुड़ जाता है। मेरा ऐसा अनुभव है, मैंने जैसे पंचायत समिति में मैंने काम किया है, मैंने तहसील ऑफिस में मैंने काम किया है, मैंने कलेक्टर ऑफिस में काम किया है, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मैंने काम किया है, और मैंने उपायुक्त करके मेरी जो है आखिरी की मेरी पोस्टिंग थी। तो मुझे ये मालूम है कि भाई तहसील ऑफिस से लेके मंत्रालय तक के जो बातें है किसी चीज की, अगर समझो आपको समस्या है कुछ ये है समझो, वो छुड़ाने का काम अगर समझो कर सकते हैं तो एक अधिकारी अच्छे तरीके से कर सकता है। और ये मेरा अनुभव है, मैंने विश्वास, बड़े विश्वास से मैंने वीआरएस देके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, पिछले बार चुनाव लड़ा था, और मुझे आशा है कि आने वाले 2024 में मुझे चांस मिलेगा। साथ ही साथ मेरी धर्मपत्नी जो रेखाताई मावसकर है, आपको तो पता है वो भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री है, तो हम दोनों पति पत्नी 24/7 हम आज यानी 2019 के बाद में जो कोरोना का पीरियड गया है उसके बाद में हमने सेवा देने का ये शुरू किया है। बस मैं यहीं पर आना चाहूँगा कि वही मैं सोच रहा था कि 2019 में जब आप यहाँ पर खड़े थे तो 2019 में आप प्रत्याशी करके यहाँ पर भाजपा के रह चुके हैं, तब आपको इसका सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा था, और राजकुमार पटेल की जीत हुई थी। उस समय अपने यहाँ पर आपके प्रचार रैली में अमित जी शाह आए थे, और तब उन्होंने भाजपा के स्टेज पर से खुले जनता के सामने, सबके सामने ये बोला था कि आने वाले समय में मेलघाट में क्या क्या परिवर्तन वे लाने वाले थे, जिसमें खास करके अमूल डेयरी का नाम उन्होंने रखा था। तो उस अमूल डेयरी का आज तक के यहाँ पर पायाभरण समारंभ क्यों नहीं, जनता पूछ रही है। नहीं देखिए, जब मैं इस चुनाव में मैं गया, लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, लोगों ने राजकुमार पटेल पे विश्वास किया कि भाई अमित जी शाह ने जो कहा कि भाई यहाँ पर अमूल की डेयरी लाएंगे, आप ये रमेश महावस्कर जी को आप चुन के दो, तो लोगों ने उनके इस पर विश्वास नहीं किया, लोगों ने राजकुमार पटेल के इस पे विश्वास किया कि राजकुमार पटेल ने इस तरीके की परिस्थिति निर्माण की कि भाई रमेश महावस्कर अगर चुन के आता है समझो तो ये कुछ और कर देगा, बाकी गवली समाज में कुछ ऐसी धारणा फैला दी, गैर आदिवासी लोगों में कुछ धारणा फैला दी कि भाई रमेश महावस्कर अगर समझो चुन के अगर आ गया समझो तो ये यानी मालूम है कि आदिवासी लोगों को बहुत ऊपर लेके जाएगा और बाकी गैर आदिवासी लोगों को भाई मेलघाट से बाहर निकालेगा। वास्तविकता ऐसी नहीं है। मुझे एक बात बताई है कि भाई मेलघाट में जैसा हमारे जो आदिवासी लोग हैं इनके साथ में गवली समाज भी रहते हैं, भलई समाज भी रहते हैं, गवला समाज भी रहते हैं, बाकी हमारे अदर भी रहते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यानी क्या मालूम है कि आदिवासी का विकास होगा और हमारे बाकी के लोगों का विकास नहीं होगा करके। और उनको मालूम है, अमित भाई शाह को ये मालूम है कि यहाँ पर क्या मालूम है क्या गवली समाज और आदिवासी समाज ये दो समाज प्रमुख समाज है, और इनका अगर समझो प्रमुख अगर व्यवसाय आप अगर देखेंगे समझो तो ये खेती और दुग्ध व्यवसाय है। इस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि भाई यहाँ पर अगर समझो आप अगर बीजेपी को अगर बढ़ावा देते हैं, बीजेपी को अगर चांस देते हैं, तो अमूल की डेयरी इसमें जरूर लाएंगे। मेरी इनसे भी बात हुई थी, नवनीत जी राणा से भी इस संदर्भ में हुई थी, और उन्होंने भी ये बोला था कि भाई हम आने वाले समय में यहाँ पर अमूल की जो डेयरी है ये यहाँ पर प्रस्तापित करेंगे और हमारे लोगों को हम अच्छा एक व्यवसाय करने का मौका देंगे,
मुझे ऐसा लगता है। मेरा प्रश्न वैसा के वैसा ही है, क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई इसके बारे में मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, पर आने वाले समय में खासदार नहीं आप आमदार बन पाए, लेकिन खासदार तो आपकी थी, केंद्र का निधि भी आपके पास में था, पर अमित शाह जी भी दिल्ली में थे, इसके बावजूद मेलघाट में जो उन्होंने वचननामा दिए थे अमूल की डेयरी लाएंगे, तो वो क्यों नहीं आई? नहीं नहीं देखिए कैसा मालूम है क्या कि भाई आप ये सोचिए कि भाई हमारे उस वक्त जो भी हमारा मैनिफेस्टो में था, तो अगर समझो 10 बातें अगर समझो हमने अगर उसमें की होंगी समझो, तो एक दो बातें कुछ हमारी रह गई होंगी, पर बाकी जो ओवरऑल जो है वो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरा करने का, आज नरेंद्र भाई जी मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने उनके माध्यम से पूरा करने का पूरा भरसक कोशिश किया है, और आने वाले समय में आपने जैसा हमारे को बताया कि भाई ये इसका ये करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आने वाले समय में मैं खासदार मैडम से मिलके इसके बारे में पाठपुरा करूंगा, जरूर से जरूर यहाँ पर अमूल की जो एक फैक्ट्री लाने का वादा किया है वो पूरा करने का हम कोशिश करेंगे, इतना मैं आपको कहना चाहूँगा। आपको भी ज्ञात है, सभी जनता को हमारे दर्शकों को भी ज्ञात है कि नवनीत जी राणा यहाँ से नहीं है मेलघाट से, लेकिन वो फिर मेलघाट की बेटी कैसे बनी, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। भाई देखिए कैसा है मालूम है क्या, नवनीत जी राणा जहाँ कहाँ से भी आई है, वो हरियाणा से आई है, तो हमारे संस्कार ऐसे है कि जब हम किसी परिवार में शादी होके जाते हैं तो मायका हम छोड़ के जाते हैं, और हमारा जो ससुराल जो रहता है वो हमारा प्रॉपर का हमारा होता है। अब आपको सभी को मालूम है कि उन्होंने शादी किस परिस्थिति में की, और उन्होंने शादी जो है सार्वजनिक तौर पे यानी सामूहिक विवाह में उन्होंने शादी की, सोचिए चाहते तो अगर वो चाहती समझो तो भाई वो तो अलग से भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वो वैसा नहीं किया। इस पे से आप उनका सोशल जो एक एस्पेक्ट देखिए कि उनका यानी सोच कितनी अच्छी है कि भाई मेरी शादी अगर समझो सामूहिक विवाह में होती तो कितनी अच्छी हो, तो शादी से लेके तो आज तक के जो हमारा जो ये जो मौसम हमारा बना है और उनका जो भी सोशल ये है, इसके वजह से क्या हुआ मालूम है क्या कि लोकसभा जब लड़ते हैं तो लोकसभा का एक क्षेत्र ठहरा हुआ है, उसमें फिर आपको अचलपुरा है, अमरावती है, बडनेरा है, और हमारा मेलघाट भी है, दाणी चिकलदरा भी, तो इस क्षेत्र से संपर्क रखने के लिए इस हमारे आदिवासी जो हमारे बंधु है इनसे संपर्क ये करने के लिए वो करने के लिए लोगों ने दिए वाली उनकी एक उपाधि है कि भाई ये मेलघाट की बेटी है, वो तो मेलघाट के लोगों ने मेलघाट की बेटी मेलघाट के लोगों ने ये बोला कि भाई ये हमारे को हमारे त्योहार के लिए हमारे को ये साड़ी दे रही है, हमारे किराना दे रही है, हमारे त्योहार मना रही है, तो इसलिए उन्होंने उनको जो है मेलघाट की बेटी का एक सम्मान उनको दिया है, ऐसा मैं आपको कहना चाहूंगा। एक बात, नवनीत जी जो फिलहाल 2024 को फेस कर रही है, तो फिलहाल में जो आपके विरोधक है वो बोल रहे हैं कि मेलघाट की बेटी यदि नवनीत जी है तो हम अपनी बेटी को इस बार विदाई देना चाहते हैं, ऐसे आपके विरोधक बोल रहे हैं, बड़े मंच से बोल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं तो विरोधकों को बड़ी ये कहना चाहूंगा कि भाई उन्होंने उनके 5 साल के कार्यकाल में क्या किया है, और जो उम्मीदवार है आज उन्होंने जो भी उम्मीदवार आज विरोधक है समझो, इन्होंने कभी डूब के देखा क्या मेलघाट की, मेलघाट की परिस्थिति क्या है, मेलघाट में किस चीज की कमी है, किस चीज का क्या है? अरे इन लोगों ने क्या मालूम है क्या, सिर्फ और सिर्फ राजनीति को क्या मालूम है क्या, अपना एक कुछ ऐसा बना के रखा है कि जिससे आने क्या मालूम है हथियार बना के रखा है, उनका बदनामी करने का ही किया है। और कभी आके आप देखो कि मेलघाट की समस्या क्या है, मेलघाट में किस चीज की कमी है, तो जाने क्या मालूम है क्या कि चुनाव आ गया इसका मतलब क्या मालूम है क्या, मन से आप अनाप शनाप कुछ भी बकेंगे कुछ भी बोलेंगे समझो, तो जनता तो ये तो नहीं सहन करेंगे ना, क्योंकि जनता को एक्चुअली मालूम है कि हमारे में कौन शरीक होता है, कौन आता है, कौन जाता है, क्या है, तो ये गलत है। और विरोधों को कितना भी कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा क्षेत्र मेलघाट इतना बड़ा क्षेत्र है, ये कल का विरोधकों का कुछ नाम ऐसे है कि जो नाम लोगों ने सुने ही नहीं, लेकिन क्या मालूम है क्या नवनीत जी राणा जो है इनका नाम क्या मानने का पूरे मेलघाट में फेमस है। अभी प्रचार के लिए हम क्या मालूम है क्या कि हर क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जैसे समझो अभी मैं हरिचल जिला परिषद सर्कल में मैं गया, मैं मोगरदा सर्कल में मैं घुमा हूँ, मैं दूनी सर्कल में मैं घुमा हूँ, मैं आपके गोंडवाड़ी सर्कल में घुमा हूँ, मैं उस दिन वो रवि राणा उनके साथ में बैरागढ़ गया था। तो लोगों को क्या मालूम है क्या नवनीत जी राणा इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद लोग जानते हैं कि भाई नवनीत जी राणा क्या चीज है और कैसी है। नहीं, मेलघाट के भी लोग ये बोलते हैं कि भोली भाली जनता है, और एज एन सेलिब्रिटी करके उनके साथ में सेल्फी खिंचाने के लिए
सामने जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, जनता बोल रही है ऐसा? भाई देखिए, अभी राजनीति का भी वातावरण गर्म है और हमारा जो टेम्परेचर है ये भी गर्म है। आप सोचिए कि आज 45 प्लस टेम्परेचर रहने के बाद में भी कोई व्यक्ति अगर समझो आपके मेलघाट के गाँवों में घूम रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो ये कोई सेल्फी खिंचाने वाला तो कार्यक्रम है नहीं है, है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे इसमें हम जो कोई अगर घूमता है फिरता है तो ये गलत विरोधक जो प्रचार कर रहे हैं इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और आने वाले समय में मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि भाई हमारी जो कमल का पुल, हमारा जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बार यानी अमरावती जिले के लिए एक इतिहास है कि भाई कमल का पुल आज तक के चुनाव हमारे ईवीएम के मशीन पे नहीं था, आज पहली बार हमारे को नरेंद्र मोदी जी ने हमारे कमल का चिन्ह दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता करके मैं इसमें शामिल हुआ हूँ और भरपूर हमने कोशिश की है कि भाई वो जीते और वो जीतेंगे, काफी मार्जिन से दिखेंगे जीतेंगे। और मेलघाट से हमारे पूरे अमरावती जिले के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उसमें मेलघाट से हम उनको अच्छे लीड से जिताएंगे और विरोधक जो है ये देखते रह जाएंगे, केवल देखते रह जाएंगे। आपके मैनिफेस्टो में इस साल जो नवनीत जी सामने आई है एज एन खासदार होने के लिए, तो आपका मैनिफेस्टो जनता के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं? भाई बेसिकली मैं मेलघाट क्षेत्र के लिए बोलना चाहूंगा। अभी भी आप देखिए क्या मालूम है क्या कि मेलघाट क्षेत्र जो है हमारे पहाड़ और हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, हमारे भी अभी भी कुछ कुछ हमारे इसमें कमियां हैं। तो अभी जो हमारे क्या मालूम है क्या कि फोकस क्या है नरेंद्र भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी का फोकस क्या है कि भाई अभी भी कुछ लोगों को हमारे अभी घरकुल अभी मिले नहीं है, कुछ लोगों को भी कुछ योजनाएं मिली नहीं है। तो कल मैं यहाँ पर गया था, तड़ेगांव में गया था, तो तड़ेगांव के इसमें हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे को आह्वान किया कि आप लोगों के पास जाइए, आप गांव में उनके पास जाइए और किस किस लोगों को आज तक के कुछ योजना का फायदा अगर मिला नहीं है समझो, इसकी एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के मुझे भेजिए ताकि क्या मालूम है क्या बचे हुए लोगों को जो है उसका योजनाओं का लाभ मिले। और हर क्षेत्र में काम तो चल रहा है लेकिन क्या मालूम है क्या कि इतना बड़ा क्षेत्र होने की वजह से थोड़ा सा कमतरता हो सकती है, कहीं कमी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम इस कमी को आने वाले समय में पूरा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप उपायुक्त रह चुके हैं और आपसे एक सीधा सवाल जनता के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, जनता का जो विश्वास है वो ईवीएम और वीवीपैट से काफी नहीं के बराबर चल रहा है। आज आकर के इसके ऊपर जितनी ज्यादा चर्चाएं होती है हर चर्चाओं में से कुछ समाधान नहीं निकल पा रहा है। कोई बोलता है कि वीवीपैट से निकली हुई पर्ची मिलनी चाहिए, तो कोई बोलता है उसको सिर्फ दिखाने के लिए रखा है, फिर तीन तीन मशीनें हैं, तीन ईवीएम है, तीन वीवीपैट है, उसकी बैटरीज है, इतना सारा तामझाम देखने के बाद मेलघाट का आम आदमी किस तरह से वोट कर पाएगा, इसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। एक रूम के जितना बड़ा वो सेटअप रहेगा, एक में तीन ईवीएम रखे रहेंगे, उसके तीन वीवीपैट रखे रहेंगे, उसका बैटरी बैकअप उसके साथ में होगा, कितना बड़ा तामझाम, उसमें से फलाने नंबर की बटन खोजना वो एक आम आदमी के लिए पॉसिबल रहेगा क्या? मेरा करीब करीब 30 साल का मेरा प्रशासकीय अनुभव रहा है और मैं आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि मतदान अधिकारी क्रमांक एक से लेके तो ऑब्जर्वर तक के मैंने इलेक्शन में मैंने काम किया है और मुझे मालूम है कि भाई हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो है ये स्वतंत्र रूप से और एक अच्छा काम करता है। रही की बात आपकी ईवीएम मशीन की, ईवीएम मशीन के लिए जन जागृति करना, लोगों को इसके बारे में मार्गदर्शन करना, ये तो चलते रहता है हमारे कलेक्टर ऑफिस में, ये जो निरंतर ये प्रक्रिया रहती है। आपको पता है कि नहीं पता है? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्या मालूम है क्या कि कुछ समय के लिए क्या रहता है ईवीएम मशीन जो है ये, इसके लिए लोगों ने ये इसमें देखना चाहिए वोटिंग कैसा होता है, लोगों को वोट करता आना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल और आपका समाधान करके देते है तो इसकी जाहिरात तो होती है बहुत, लेकिन क्या मालूम है क्या लोग उसको रिस्पॉन्स ठीक तरीके से उसको देते नहीं है। तो नागरिक के जैसे क्या मालूम है क्या, हर बार क्या होता है कि नागरिक क्या मालूम है क्या कि भाई सरकार ने क्या करना चाहिए ये बताती है, लेकिन नागरिक ने क्या कर्तव्य करना चाहिए ये भी तो जरूरी है ना। तो हर एक नागरिक का कर्तव्य है, मैं अगर मतदाता हूँ मेरा अगर कर्तव्य है तो मैंने किस तरीके से मतदान करना चाहिए, मैंने ईवीएम मशीन की जो स्पष्टता है, ईवीएम मशीन की जो विश्वासार्हता है, ये विश्वासार्हता जो है मैंने खुद जाके वहां देखना चाहिए, मैंने वो करना चाहिए। तो ये जो बातें हैं हम जब तक ये करेंगे नहीं समझो तब तक के हमारे को उसको विश्वास नहीं होगा। आप पिछले चुनाव में देख लीजिए कि भाई पिछले चुनाव में अगर समझो
आप अगर देखेंगे समझो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी तब ईवीएम मशीन पे सवाल उठा गया था, आपके छत्तीसगढ़ में सरकार बनी उस वक्त भी मना गया था, एमपी में भी बीच में सरकार बनी थी में भी उठाया गया था। मुझे एक बात बताइए, अगर समझो ऐसा विरोधकों का समझो ये जो बातें है सरकार बनाना ये करना, तो फिर वहां भी भाजपा की सरकार बन सकती थी ना। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार काय को बनती थी, भाजपा की सरकार बनती थी। तो एक अधिकारी करके मैंने जो भी मेरा प्रशासकीय अनुभव है, ये ईवीएम मशीन पे सवाल उठाना ये गलत है। ईवीएम मशीन पे सवाल वही उठाते हैं जिनके क्या मन में क्या पार्टी में कुछ दम नहीं रहता, और ये बेतुकी की बातें और लोगों में भ्रम फैलाने का जो काम करते हैं, मुझे लगता है ये बेकार की बात है। इन लोगों को सवाल उठाना और ये करना, इसके अलावा दूसरा कुछ काम नहीं है। लड़ना है तुम्हारे को तो तुम्हारे जो पार्टी के जो आपका एजेंडा है उस पर लड़िए, लोगों के पास जाइए। आपका तो पता नहीं है, आप तो इलेक्शन का आ गया समझो आपके पास में, तो आप जाते हैं लोगों के पास में, बाकी 5 साल तो आप आराम करते हैं घर को। तो ये सोच बदल नहीं होंगी हमारे भारतीय जनता पार्टी के, यानी गए 5 साल में जो भी कार्यक्रम है, चाहे वो हमारा क्या मालूम है क्या घर चलो अभियान हो, चाहे वो बाकी कोई भी पार्टी का ये हो, सादा आपका कर जयंती भी मनाने का है तो हमारे बूथ पे हम उस जयंती मनाते। आपको मालूम है जैसे भारतीय जनता पार्टी का हमारा स्थापना दिवस रहता है, हर बूथ पे हमारा वो मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर बूथ पे मनाई जाती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर बूथ पे मनाई जाती है। तो इस तरीके की जो जयंती है मनाने का काम और ये लोगों तक के जाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए लोगों का क्या मानूंगा क्या विश्वास भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा सफल हुआ है। और केंद्र में इस बार तो हमारा जो है हमारा नारा ही है कि अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार। और अमरावती में मैं कहना चाहूंगा कहो दिल से नवनीत राणा जी फिर से। फिर जैसा आपने बोला कि कहो दिल से नवनीत राणा फिर से, ऐसा ही अमरावती में एक और नारा गूंज रहा है, मोदी तुझसे बैर नहीं नवनीत तेरी खैर नहीं, साथ ही साथ दोनों चल रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखियो ये नारा जो है ये बनाने का काम विरोधी पार्टी जो है उनका जो भी सोशल नेटवर्किंग है उनके द्वारा वो कर रहे हैं, वो उनका काम करे, हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। और चुनाव में लोगों के सामने हम जा रहे हैं, वो भी जाए, और चुनाव होने के बाद में आपको सब स्पष्ट हो जाएगा, जनता उनको जो है वो उनकी जगह बता देंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक अहम सवाल है, अभी अभी हाल ही में प्रहार के जो संस्थापक अध्यक्ष है बच्चू कड़ू, इन्होंने जो विदर्भ न्यूज को साक्षात्कार दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि आपकी जो विद्यमान खासदार है भाजपा की प्रत्याशी है, उन्होंने मेलघाट के कुछ चुने हुए लोगों को एक लॉलीपॉप दिए जिसमें एक आपका नाम है, ज्योति माळवे सोळंके इनका नाम है, और दो चार कुछ नाम इसके अंदर है जिनको लॉलीपॉप दे के ये बताया गया, ये दर्शाया गया कि आने वाले विधानसभा को लेके हम आपके साथ में अन्याय नहीं होने देंगे, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए कैसा है, भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, और नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जो प्रधान है इनका क्या मालूम है क्या नाम ही इतना बड़ा है कि हर कोई चाहता कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करें। अभी अभी हमारे यहाँ पे क्या मालूम है क्या कि हमारे कांग्रेस के भी माजी आमदार केवलराम जी काड़िया है, एक ज्योतिताई सोळंके यहाँ पर आई, और हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं ये नरेंद्र भाई मोदी जी के यानी पार्टी के विश्वास पे यहाँ पर आ रहे हैं। और रहा सवाल आपके लॉलीपॉप का, तो इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावंत कार्यकर्ता है, और निष्ठावंत कार्यकर्ता होने की वजह से हमारे पे अन्याय नहीं होगा, ये हमारे को मालूम है। और आपको मालूम है कि पिछले बार ने मुझे उन्होंने टिकट दी थी, आपकी मिसेस का नाम भी चर्चा में है। हाँ वो भी एक्टिव है ना भाई, हमारे घर में कैसे मालूम है क्या कि भाई मैं भी टिकट के लिए दावेदार हूँ और मेरी मिसेज जो है आपसे ज्यादा आपकी मिसेज दावेदार है ऐसा सुनने में आ रहा है जनता के मुँह से। नहीं देखिए कैसा मालूम है क्या कि भाई कोशिश हम दोनों जन भी कर रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की जो है जिला महामंत्री है, इसके पूर्व वो जिला उपाध्यक्ष थी, और महिलाओं में खास करके क्या मालूम है कि एक जोश का वातावरण ये है कि भाई नवनीत भाभी अगर समझो उधर वो खासदार के लिए है समझो, तो मेलघाट में भी अगर हमारे को महिला अगर प्रतिनिधि मिलता है तो अच्छा है। और आपको ये मालूम है कि चुनाव लगने के पूर्व अपने नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे महिलाओं के लिए 33% का जो आरक्षण लागू किया है, हो सकता है मेलघाट का नंबर आ जाए, और आज नहीं तो कल कभी ना कभी मेलघाट में महिलाओं का आरक्षण आएगा।
चाहे वो 2024 में हो या फिर 2032 में हो, तो हर हाल में कैसा मालूम है क्या कि नारी का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी जानती है और इस सम्मान के साथ हमने सबने रहना चाहिए। और मैं तो ये करता हूँ, किसी के लॉलीपॉप देने से भारतीय जनता पार्टी चलने वाली नहीं। सच्चा कार्यकर्ता वो है जो लोगों के लिए काम करे। और हमारा कैसा मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सर्वे होता है, लोगों को पूछा जाता है, लोगों को जो है उनका मत लिया जाता है, और ये मत लेके जो सर्वे में जिसका नाम भी रहेगा ये रहेगा उसको टिकट दी जाती है। कोशिश करना कोई बेकार तो बात है नहीं, चाहे हम वो पति पत्नी हो। और मुझे तो गर्व होगा कि भाई मेरी पत्नी अगर समझो मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, आपके नोटिस में है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरी पत्नी जो है आज मैं कहना चाहूँगा कि 6 विषय में वो पोस्ट ग्रेजुएट है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो उनको भी टिकट मिलती है तो मैं तो पूरा 100% उनको साथ दूंगा, मुझको मिलती है तो वो मेरे साथ करती है। तो आपने अपने व्यस्ततम समय में से विदर्भ न्यूज़ के लिए जो समय निकाला उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे और फिर एक बार आपके मुखातिब होंगे। ऐसे मेलघाट क्षेत्र के एक से एक दिग्गज से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, फिर मिलते हैं एक नए लोक नेता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।